यू मचान एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल शेड्स ऑफ बॉलीवुड, जहां पर मैं आपको हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारों से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, राइटर्स से, इन सब से मिलाती हूँ, बॉलीवुड का हर शेड दिखाती हूँ। तो उसी तरह से आज मैं एक और सितारे से आप लोगों को मिलाने जा रही हूँ, जिनका नाम है गीतांजलि मिश्रा जी। वैसे तो ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, आप इन्हें देखते ही पहचान जाएंगे एंड आई एम श्योर नाम से तो पहचान ही गए होंगे। इन्हें आप लोगों ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा है और पर्सनली मुझे इनका इंडियन लुक बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इनके साथ ये इंटरव्यू करने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए, एंड आई होप आप लोग भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गीतांजलि मिश्रा जी के साथ ये इंटरव्यू। हेलो गीतांजलि जी एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल शेड्स ऑफ बॉलीवुड। नमस्ते। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे आपके चैनल का नाम बहुत पसंद आया, शेड्स ऑफ बॉलीवुड, थैंक यू। गीतांजलि जी, हम सब जानते हैं कि आप आज यहाँ तक पहुंची हैं, लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुंची हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप जानती हैं, जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे। तो प्लीज आपके इस सफर के बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करना चाहेंगी आप? मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ, जैसे कि आपने कहा कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, तो एग्जैक्टली मैं अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो मैं बहुत लकी हूँ। मतलब लोग जिस इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, मुझे यहाँ पे सस्टेन करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ी, पर यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरी एक दोस्त के जरिए मैं अचानक से इत्तेफाकन लाकर खड़ी कर दी गई कैमरे के सामने और बस ऐसे शुरुआत हो गई। वैसे सभी जगह आपने मेरे इंटरव्यू में सुना होगा क्योंकि ये सच्चाई है। और मेरी दोस्त है सीमा शर्मा, जिन्हें एक आर्टिस्ट की जरूरत थी एक शो में, और एंड टाइम पर उस आर्टिस्ट ने मना कर दिया किसी वजह से, जो भी उसके अपने पर्सनल व्यक्तिगत कारण हो। सो बीइंग अ फ्रेंड शी वाज लाइक, अरे आई नीड अ हेल्प, आई सेड टेल मी व्हाट हेल्प आई कैन डू, शी वाज लाइक नथिंग, अंदर तुझे बोल के भी फायदा नहीं है। आई वाज लाइक ओके ठीक है। अब मतलब जिस प्रोफेशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, जिससे आप का कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा? मतलब ऐसे है कि आपने ठीक है ओके व्हाटएवर रख दिया फोन, आधे घंटे बाद दोबारा से रिंग होती है और शी इज लाइक, लिसन तुम जैसी हो वैसी की वैसी यहाँ पर चली आओ, सो इन सो लोकेशन। और वहां जाने के बाद में सडनली आप कुछ बड़े बड़े नामचीन लोगों के बीच में बैठे हैं और कुछ समय के बाद में आपको कैमरा फेस करना है और ये बात आपको भी पता नहीं है, तो सब कुछ एकदम से मतलब मेरे लिए खुद भी अभी अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा अनईजी सा होता है, हंसी आती है सिर्फ। इट्स ऑल डेस्टिनी, यू नो, शायद लिखा ही था कि मैं यहाँ पर आऊंगी और इस इंडस्ट्री में काम करूंगी, तो इत्तेफाकन मेरा आना हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गीतांजलि जी, एक्टिंग के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? हॉबी एक्टिंग तो हॉबी में नहीं आती, मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। और खैर हॉबी में अगर कहूँ तो मैं बिल्कुल टिपिकल नेक्स्ट डोर बंदी हूँ, जैसे कि आपके आसपास में आपके घरों में बाकी की महिलाएं या लड़कियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। कुकिंग करना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, अभी नया नया शौक चढ़ा है मुझे किताबें पढ़ने का, स्पेशली कविताएं पढ़ने का। और मेरी सिस्टर को काफ़ी अच्छा लिखती है तो उसको सुनने का भी बहुत शौक है। वैसे मैं बोलती ज़्यादा हूँ, सुनती कम हूँ, पर उसको सुन लेती हूँ तो किताबें पढ़ना, रीडिंग आई विल से, कुकिंग इट्स वन ऑफ माई हॉबी, आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। सो बाकी ऐसे हाँ, मैं म्यूजिक लवर हूँ, पर आई हैव अ टिपिकल टेस्ट ऑफ म्यूजिक, मुझे हर गाना नहीं पसंद आता, हर चीज़ नहीं पसंद आती, मतलब गिने चुने मेरी, जैसे कि अगर मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को या क्लासिकल म्यूजिक को छोड़ दूँ तो बाहरी तौर पे मुझे दो चार सिंगर्स हैं जिनके जिनका लिखा हुआ बहुत पसंद आता है, राहत फ़तेह अली खान साहब, गुलाम अली साहब, आबिदा परवीन जी,
उनका एक एल्बम है जो मुझे बहुत पसंद है, उसके कुछ स्पेसिफिक गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब चिट्ठी आई है टाइप के गाने मुझे ज्यादा पसंद है देन यार मेरा व्हाट इज दैट हनी सिंह का देसी कलाकार, ऐसे गानों से वैसे गाने ज्यादा पसंद है। जगजीत जी की एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, फिर अभी अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। आई मीन आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक, तो अगर हॉबीज में कुकिंग म्यूजिक रीडिंग। गीतांजलि जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब देते हुए बहुत सारे सितारे हमारी इंडस्ट्री के कतराते हैं, लेकिन आई होप जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है और जो जो हमने आपके बारे में सुना है आप हमें सच्चाई से ज़रूर रूबरू करवाएंगे। तो गीतांजलि जी एक दीमक है हमारी इंडस्ट्री में आजकल जिसका नाम है नेपोटिज्म, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के सिनेरियो का बहुत ही चहेता टॉपिक, एनीवे जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये दीमक है, पर मैं आपकी उसी बात को तवज्जो देती हूँ कि दीमक सिर्फ लकड़ी में लगता है जी। सो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फेवरिज्म कहाँ नहीं है मैम, हर जगह पर है, हर इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, कॉल सेंटर हो, कहीं भी, कहीं भी, छोटे छोटे जगह पर, मतलब आई मीन अगर मुझे घर में कुक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हाउसकीपर चाहिए, हाउस होल्ड हेल्प चाहिए, बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तब भी हम एक दूसरे से सलाह करते हैं, एक दूसरे की एक दूसरे से पूछते हैं कि विल यू रिकमेंड समवन, हाउ इज ही और शी। तो मैंने आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, पर सस्टेन वही करता है, यहाँ पर सर्वाइव वही करता है, दर्शक उसे ही पसंद करता है जिसमें टैलेंट होता है। नेपोटिज्म के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कलाकार का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचना आसान है, या ऐसे कहूं कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आसानी से, पहला, दूसरा, तीसरा भी। लेकिन यहां पर लंबे समय तक 5, 10, 50 साल तक सर्वाइव वही करेगा, लोगों के जहन में वही बैठेगा जिसमें टैलेंट है, फिर वो किसी कोई खानदानी स्टार किड हो या न्यू कमर। सो आई फील कि टैलेंट ही सर्वाइव करता है, अदरवाइज मेरी जानकारी में, आपकी जानकारी में भी हजारों ऐसे नाम हैं, कई ऐसे नाम हैं जो स्टार किड है, जिनके बाप दादा इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, जिन्होंने जो यहाँ पर एज अ आइडल आइकॉन बन के गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, पर उनके बच्चे आज की तारीख में कहीं सस्टेन नहीं करते, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका नाम आते ऐसे है, यू नो क्यों? बिकॉज शायद उन्होंने अपने बाप दादा का नाम ही भुनाना चाहा, उन्होंने अपने आप पे मेहनत नहीं की, दे वर नॉट दैट मच टैलेंटेड जैसे कि बाकी के स्टार किड्स हैं या बाकी के आर्टिस्ट हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो मेरे एक बहुत ही फेवरेट कलाकार है, इरफान साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये किसी स्टार फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, यहाँ उन्होंने नॉर्मल पर्सनालिटी होते हुए, एक नेक्स्ट डोर पर्सनालिटी होते हुए भी अपना एक मुकाम बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ टैलेंट ही आपको यहाँ पर स्थापित कर सकता है, खड़े रख सकता है, जमा कर रख सकता है, और आपकी जिंदगी की किताब में आप जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तब भी यहां पर आपको जीवित रखेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका हुनर, आपके बाप दादा का नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका हुनर। सो नेपोटिज्म, आई डोंट थिंक देयर इज, आई मीन नेपोटिज्म सर्वाइव नहीं करता है, सर्वाइव सिर्फ टैलेंट करता है मैम। और दूसरी बात, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बात हो तो मैं खुद भी आउटसाइडर हूं,
जैसे कि मैंने कहा कि मैं इत्तेफाकन लाकर इंडस्ट्री में खड़ी कर दी गई, पर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि मैं यहाँ पर अपने टैलेंट के बेस पर हूँ और आगे भी इसी बेस पर रहूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब भी जिस भी जगह पर आप अपने मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आप दिन रात तरक्की ही करेंगे। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी। आई होप आपके इस जवाब से हमारे व्यूअर्स को और जो भी न्यू कमर्स हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिला होगा, उन्हें ये पता चला होगा कि हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ गॉडफादर जिनके होते हैं वही आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि आपका टैलेंट बहुत काम आता है। गीतांजलि जी, जो आजकल की सिचुएशन है COVID-19, जिसने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री, ना सिर्फ हमारे देश, बल्कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है, इससे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, खासकर वो लोग जिनके लिए उनका काम, उनके लिए उनका प्रोफेशन एक ऐसा है जैसे एक कुएं से हर रोज उन्हें पानी निकालकर अपनी प्यास बुझानी होती है। लेकिन COVID-19 की वजह से हर इंसान को आज अपने घर पर बैठना पड़ रहा है और इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, COVID-19 ये सिर्फ आपके या मेरे घर में नहीं आई है, पूरी वैश्विक आपदा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल तकलीफें हैं और हर देश को है। आई थिंक कोई भी ऐसा जो हमसे 10 times सुपीरियर है वो भी, जो किसी मामले में हमसे कमजोर है वो भी, वहां के भी लोग लड़ रहे हैं। हम तो बहुत लकी हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत पहले एक बहुत ही स्ट्रांग कदम उठा लिया, बहुत ही स्ट्रांग अनाउंसमेंट कर ली। आई डू एग्री, मैं इस बात पे तवज्जो देती हूँ कि जिससे हमारे देश की GDP जो ग्रोथ है वो डगमगा गई, हम 20 साल पीछे चल गए। पर अगर सच कहें तो करोड़ों की जनता को उन्होंने बचा लिया। हम फाइनेंशियल तौर पे शायद लाखों करोड़ों पीछे चले गए और सालों पीछे चले गए, पर जिंदगी की बात करें तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बच गई और जीवित हैं तो सारी चीजें हैं। हेल्थ इश्यूज तभी आएंगे ना जब आप जीवित रहेंगे। अगर अनईजी फील कर रहा है, जब आदमी सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, तब तक तो सब ठीक है। अगर कोई अनईजी फील कर रहा है तभी तो आप उसे बीमार कहेंगे। तो ये सभी के लिए है, सभी जगह है, इससे लड़ना है, इससे लड़कर बाहर निकलना है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे मैम, मैं झुठलाऊंगी नहीं इस बात को, क्योंकि आप जैसे, मेरे जैसे या अपर मिडिल क्लास जो है उन्होंने उन्होंने वो एक प्लान तरीके की जिंदगी जीते हैं कि मंडे हम ये खा रहे हैं, ट्यूसडे हम ये बना रहे हैं, वेडनेसडे हम ये बना रहे हैं, थर्सडे हम। पर जो लो मिडिल क्लास है या अल्प क्या कहते हैं संख्यक लोग हैं, उनके यहाँ पर ऐसे नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन का शिकार ज्यादा होंगे। हमारे देश में या तो जो बहुत अमीर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत गरीब है सड़क पर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन बोलिए, तकलीफ बोलिए, सभी चीजों को फेस करना सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों के हिस्से में आता है, तो मध्यम वर्गीय जो है, आम मध्यम वर्गीय जो है वो परेशान है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इससे हमें लड़ना है। इससे लड़ने के तरीके हमें खुद ढूंढने होंगे। अब चाहे आप अपने घरों में लॉक हैं, लॉकडाउन में हैं, आप एक्स्ट्रा स्टडीज कर लीजिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, बहुत सारी किताबें हैं ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस पर फोकस करिए, उसे पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। हम कहते हैं कि UPSC की तैयारी करते अगर हमारे पास समय होता, हम MBA कर लिए होते अगर हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प होती। तो आज की तारीख में ऐसे हजारों की संख्या में वीडियोस, पुस्तकें, किताबें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उसे पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए ताकि वो आप अपने बच्चों को दे सकें। ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी लॉकडाउन के दौरान कि
आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। दूसरी अपने शौक, अगर पॉसिबल हो तो अपने शौक पूरे करने की कोशिश करिए अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए। बातें करिए एक दूसरे से। हमारी दिक्कत आज की यह है कि हम सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज्यादा। सुनिए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उससे भी सवाल करिए, उसे सुनिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान नहीं तो आपका मनोरंजन बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेस लेवल कम होगी। अपनी पत्नी से, अपने सहपाठी से, अपने दोस्त से, अपने परिजनों से, अपने जान पहचान से बात करिए, अपनी तकलीफ शेयर करिए और सामने वाले की सुनिए, मन हल्का होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अगर हम करना चाहें तो। अगर बीमारी हमारे पास आई है तो उससे लड़ने का इलाज भी हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं कि जहां पे चाह वहीं पे राह। गीतांजलि जी, आपकी एक चीज जो हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आज के वक्त में जब ऐसे लोग भी हैं जो अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, आप दूसरों के लिए इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस COVID-19 की सिचुएशन में बहुत कुछ कर रही हैं। प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और आपको दूसरों की मदद करके कैसा फील होता है। और जिस तरह से हमें पता है कि अभी लॉकडाउन के दौरान आप भी कोई काम नहीं कर रही होंगी, तो कैसे आप दूसरों की मदद कर पा रही हैं? कैसे फील होता है किसी की मदद करके, ये शब्दों में बताना मेरे लिए नामुमकिन है। मुश्किल नहीं कहूंगी, नामुमकिन है। मतलब आई एम नॉट गेटिंग अ राइट वर्ड कि मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं इस बात को, पर हाँ, ये शुरुआत हुई थी घर से। पहले जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज की शुरुआत हमारे आसपास से ही होती है, आपके दूसरे सवाल में, तो वैसे ही शुरुआत हुई थी ये घर से। पहले एक स्वीपर की तकलीफ सुनी और उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की, फिर अपने सिंटा एसोसिएशन के एक मेंबर की तकलीफ सुनी, वहां पे कोशिश की ऐसे। फिर लगा कि यार पैसे से मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी खुद की कैपेसिटी इतनी नहीं है। मैं खुद भी अपर मिडिल क्लास में आती हूँ, ऐसे कहूंगी, मेरी खुद की भी आय इतनी नहीं है या मेरी इतनी जमा पूंजी नहीं है, सेविंग्स इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं हर किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर पाऊं। पर एक ऐसा तबका है जिसे आज के समय में, मतलब दो वक्त के खाने की भी दिक्कत है। तो एक मैंने कहीं सुना था, किसी फिल्म का एक डायलॉग है कि आप इन दो हाथों से हजारों को नहीं मार सकते, पर इन दो हाथों से हाथ जोड़कर करोड़ों को एक साथ नमन कर सकते। मुझे ऐसा लगता है मैम कि किसी की 5,000 की जरूरत होगी, किसी की 500 की होगी, किसी की 50 रुपए की होगी, तो किसी की 5 लाख की होगी, जो मेरे वश में नहीं है पूरी कर पाना। पर राशन, फिर वो टाटा बिरला अंबानी हो, आप जैसा मुझ जैसा मध्यम वर्गीय हो या लोअर मिडिल क्लास, वो अन्न ही खाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कोई कोहिनूर खाता होगा तो कोई कोलम खाता होगा, कोई क्या कहते हैं मोगरा बासमती राइस खाता होगा तो कोई सूरती बोलम खाता होगा। दैट इज ओनली थिंग डिफरेंस, पर खाते अन्न है। तो मैंने ये कोशिश की कि अपनी तरफ से सबसे बेसिक जो है वो मैं क्या कर सकती हूँ, तो कुछ अपने दोस्तों की मदद से, मास्क, सैनिटाइजर, राशन। एक परिवार में अगर 2+2 लोग भी हैं, 4 लोग भी हैं, तो उनको कम से कम 15-20 दिन के राशन का जुगाड़ हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रही शुरू में। आई स्टार्टेड दिस ऑन 2nd of April। ये जो बात है मेरे जहन में 2 अप्रैल को आई थी, शायद नौवीं का दिन था, और वहां से फिर इसने जो प्रोग्रेस करना शुरू किया तो बढ़ते ही चले गए। कुछ दोस्त भी जुड़े, एक COVID-19 ग्रुप भी हमने बनाया फेसबुक पे। वहां पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं हुई, पर लोग काफी सामने जरूर आए, काफी हद तक लोग आए, तो थोड़ी उनकी भी मदद से 10, 20, 15, 50 ऐसे करते करते करीब करीब मेरे ख्याल से 300-400 फैमिलीज से ज्यादा लोगों को हमने राशन सर्व किया, और एक परिवार को कम से कम 15 से 20 दिन का राशन मिल जाए, ये मेरी कोशिश रही। और ज्यादातर जगहों पर मैं पर्सनली गई, और अब ऐसे हो गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी मैसेजेस आने लगे, DM आने लगे कि मैम हमारी स्थिति बुरी है और कुछ हेल्प करिए। तो
जहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकती या मेरी टीम के कोई लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करके उनको राशन पहुंचवाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी फोटोग्राफ ना ली जाए, पर एक दो बार पकड़े गए तो आप तक भी पहुंच गई खबर और सोशल मीडिया तक भी पहुंच गई। सो बी द हेल्पिंग हैंड, मैं हर किसी से यही कहती हूँ, बी काइंड एनफ टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम। उनकी स्थिति में जाकर जरा सोचिए, आपको मजाक नहीं लगेगा, मजबूरी लगेगी। और किसी भी मजबूर व्यक्ति की, फिर वो आपका अपना हो या पराया हो या कोई नोन टू भी हो, मदद करने के लिए आप जरूर आगे आएंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। कोई आपसे मदद मांगता है तो वो डेफिनेटली आपसे छोटा है या जरूरतमंद है, तो जरूरतमंद का मजाक ना उड़ाएं। बी काइंड एनफ टू हेल्प ईच अदर। रही बात सेविंग्स की, जैसे आपने कही, तो या आई डू एग्री, तकलीफें तो सभी को हैं, मुझे भी हैं। दिसंबर के बाद से कोई पेमेंट नहीं आई है, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने काम नहीं किया है, दिसंबर से लेकर मार्च तक मैंने काम किया है। 15 मार्च से मैं घर पर हूँ और सितंबर शुरू हो गया है, अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया है। और जो मैंने दिसंबर तक मार्च तक काम किया था उसकी भी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। सो अभी तक सेविंग्स के सहारे ही चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी प्लान्ड। और क्योंकि हम बहुत ही मध्यम वर्गीय जिंदगी जीते हैं, बहुत पार्टी शार्टी करने पे बिलीव नहीं करते हैं, तो चल रहा है, ऊपर वाला जाने कब तक चलेगा। पर मदद करने की जो मेरी सोच है किसी को, किसी जरूरतमंद के काम आने की, वो ना तो रुकी है ना रुकी। सेविंग्स कब फिर से हो जाए, इसी दुनिया में आने पर तो सेविंग्स करनी शुरू की, ऊपर से तो लेकर नहीं आए थे। गीतांजलि, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू। गीतांजलि जी, हाल फिलहाल में कोई आप प्रोजेक्ट कर रही हैं या कोई आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप हमसे कुछ बात करना चाहें? जी, प्रोजेक्ट तो लॉकडाउन के पहले आई वाज डूइंग शो कॉल्ड कार्तिक पूर्णिमा ऑन स्टार भारत। अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन द लॉकडाउन, 18th of May को हमें बताया गया कि अब शो लॉकडाउन के बाद रीओपन नहीं होगा, वो शट डाउन हो गया ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, बट इट्स ओके। उसके पहले एक फिल्म हमने की है, लूडो, अनुराग बासु जी की फिल्म है, राजकुमार राव, सना फातिमा, पंकज त्रिपाठी जी, पारितोष त्रिपाठी जी, बच्चन, अभिषेक बच्चन जी, वन ऑफ माय फेवरेट, आदित्य रॉय कपूर, काफी सारे स्टारकास्ट आपको देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली वो 24th of April को रिलीज होने वाली थी फिल्म सिनेमा हॉल में, बट अब क्योंकि नो आइडिया कि सिनेमा हॉल्स कब ओपन होंगे और सेफ्टी पहले मैटर करती है, तो मेरे प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया कि हम उसे नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। सो आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ नेटफ्लिक्स पर, शायद, नॉट श्योर अबाउट इट, रिलीज होगी। और बाकी हमारे इंडस्ट्री में काम कम होता है, बातें ज्यादा होती हैं, तो बातें चल रही हैं, देखिए क्या सक्सेसफुल होता है। गीतांजलि जी, आपने बहुत सारे शोज किए हैं, ऑफ कोर्स हम लोगों ने तो बहुत सारे शोज देखे ही हैं, लेकिन कुछ एक शोज ऐसे होते हैं जो एक अच्छी सी छाप छोड़ देते हैं आपके दिमाग में, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? जी ये बहुत ही दुविधा वाला सवाल आपने पूछ लिया मुझसे, मतलब ये ऐसा है कि किसी माँ से पूछना कि उसे उसका कौन सा बच्चा ज्यादा प्रिय है। सो बीइंग एन एक्टर, अपने सारे प्रोजेक्ट पर हम उतनी ही मेहनत करते हैं, मैं अपने हर कैरेक्टर पर उतनी मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% हूँ, तभी दर्शकों को भी पसंद आएगा और वो रिलेट कर पाएंगे मेरे उस कैरेक्टर से। पर फिर भी अगर डेली सोप की बात करूँ तो एक शो आया था कलर्स पर 2014 में, रंगरसिया, जिसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था सनाई रानी, एक्ट्रेस थी उसकी लीड, और आशीष शर्मा जी उसके मेन एक्टर थे। मेरे कैरेक्टर का नाम था मैथिली, जो कई सारे मेरे ख्याल से साउथ के भी विजया टीवी पर शायद एज अ रीमेक डब होकर आ रहा था, तुर्की में, काफ़ी सारे कुवैत में, जहाँ तक मुझे पता है अरब भाषा में भी डब होकर वो
चैनल पे अभी भी चल रहा है, दिस इज व्हाट आई हर्ड अबाउट. आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा है, क्योंकि फैंस जो है टाइप बैक करते रहते हैं, कुछ कुछ क्लिपिंग भेजते रहते हैं, तो उससे पता चला. वो जो शो है मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि उसमें मैं अपने उस कैरेक्टर से कंप्लीटली अपोजिट थी, अपोजिट हूँ बेसिकली. जिस तरह की मैथिली जिस तरह की सोच रखती थी, या जिस तरह की उसका अपीयरेंस था, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, मैं उससे एग्जैक्टली अपोजिट हूँ. बिल्कुल भी जरा सा भी तालमेल नहीं है हमें, पर फिर भी वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब था. उसके एक एक शब्द जब मैं बोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी कई महिलाओं की, मतलब छोटे शहरों के, कस्बों के कई महिलाओं की आवाज़ है, कई महिलाओं की व्यथा है, स्थिति है. तो वो मेरे दिल के बहुत करीब था. वैसे लोग मुझे फेस ऑफ क्राइम पेट्रोल के नाम से जानते हैं, तो क्राइम पेट्रोल के तो हर एपिसोड में हम कुछ अलग होते हैं. कभी 42 साल के होते हैं, तो कभी 29 साल के होते हैं. एक ही हफ्ते में हम दो अलग अलग कैरेक्टर करते रहते हैं. आई रिमेम्बर मैंने एक एपिसोड किया था जिसका नाम था दासी, वेयर आई वॉज प्लेइंग पहले यंग, देन मिड एज, देन दादी, नानी. तो उस एक ही एपिसोड में 3 दिन की शूटिंग में हमने 3 जिंदगियां जी. उसके बाद के दूसरे एपिसोड में आई वॉज सडनली मैं एक बार डांसर प्ले कर रही थी, एंड आई वॉज 29, और जबकि उस वाले कैरेक्टर में वॉज मेरे ख्याल से 22-23 साल से लेके मैंने 50 साल तक की जर्नी की. तो क्राइम पेट्रोल अगेन वन ऑफ माई फेवरेट शो, जहाँ पर मुझे हर हफ्ते नया किरदार जीना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है. तो मतलब शायद आपने कहावत सुनी होगी कि आर्टिस्ट को पानी की तरह होना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी रंग मिलाए तो मिल जाए और वो उस रंग का हो जाए. तो क्राइम पेट्रोल मेरे लिए वैसा ही है. सो मैं पहले नंबर पर रखूंगी क्राइम पेट्रोल को, एंड देन रंगरसिया, माय वन ऑफ द फेवरेट. गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती टाइम के लिए. जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टीवी इंडस्ट्री को, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी हियर. और आपने सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने तरीके से हिंदी में सवाल पूछ रही है आज के समय में भी. अदरवाइज ज्यादा तो लोग इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जबकि आपके चैनल का नाम है शेड्स ऑफ बॉलीवुड. सो ये आपस में दो डिफर करने वाली चीज है. एनीवे, आई विल कम टू द पॉइंट. आपने कहा कि न्यू कमर्स और जो भी लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहूँगी. मैं क्या सलाह दे सकती हूँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड हो, कहीं पर भी, इंडस्ट्री नहीं, कहीं पर भी, जैसे हम स्कूल कॉलेज की बात करें, तो बिना पढ़ाई के नंबर तो आते नहीं हमारे. तो यहाँ पर भी अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो फेल होने के चांसेस हैं. जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही मिलेगा. मतलब पासिंग मार्क 35%, ए ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड. सो वो आपके हाथ में है कि आप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं. और फिर किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं पाते हैं, इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं पाते हैं, तो हताश मत होइए. एक रास्ते बंद होते हैं, एक रास्ता बंद होता है तो और कई रास्ते खुले होते हैं, उस पर भी फोकस करिए साथ साथ. एंड फाइनल लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने आप पर विश्वास रखिए. स्ट्रगल करने की मानसिकता को लेकर आइए कि यहां पर आपको स्ट्रगल करना है. सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं करें, हर जगह की, पर स्ट्रगल किए बिना सक्सेस कहीं नहीं मिलती. और अगर सक्सेस मिल जाए तो आपको एक जगह मिलेगी, दो जगह मिलेगी, वो जिंदगी भर के लिए टिकेगी नहीं. हर तीसरी जगह आपको नया प्रेजेंट करना है, नया कुछ बनना है, नया कैरेक्टर जीना है, आपको स्ट्रगल करना है. सो हिंदी में कहावत है कि जितनी चीनी डालेंगे खीर उतनी ही मीठी होगी. तो कितना मीठा चाहिए वो आपके हाथ में.
थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आपने मुझे बुलाया. इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा हिंदी में सवाल पूछे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू यू चैनल. गीतांजलि जी, I really appreciate your work and I hope हमारे viewers को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा.